जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगा, हम पिछले 30 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं और व्यापार कर रहे हैं, और कम 20-22 साल से हम अंबुजा कंपनी से जुड़े हैं, और लास्ट 6 मंथ से जो अडानी ग्रुप द्वारा ये अंबुजा या ACC का अधिग्रहण किया गया है, इसमें बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा था, लेकिन अभी कुछ ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी के बीच में जो भी आज की डेट में ये चला है, विवाद चला है, इससे कुछ ना कुछ तो बहुत मार्केट में असर पड़ रहा है। तो मुझे आशा है कि कंपनी और ट्रांसपोर्टर को इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। परेशानी देखिए, कुछ एक तो परेशानी है ही है, लेकिन माल अभी वैसे चल रहा है, कुछ नालागढ़ प्लांट से निकल रहा है माल, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा विंटर सीजन करके आजकल मार्केट डिमांड भी थोड़ी कम है, इस वजह से इतने ज्यादा वो नहीं है। और हालांकि अभी शायद हफ्ता हुआ, एक हफ्ते के आसपास हुआ है, तो लगता है कि जल्द से जल्द मुझे लगता है कि कंपनी को ये सुझाव देना चाहिए, नहीं तो आगे गहराएगा संकट। ये उपभोक्ताओं को देखिए, कठिनाइयों का सामना तो निश्चित है होगा ही, लेकिन अगर इस बारे में अगर बात की जाए तो ये कंपनी है या फिर आपका ट्रांसपोर्टर है या व्यापारी भाई है या एंड यूजर, ये चेन सिस्टम है। अगर ये चेन को इसको बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि कंपनी और ट्रांसपोर्टर को जल्द से जल्द इसको सुलझा लेना चाहिए, और ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ा सा मतलब कॉपरेट करके इसको जल्द से जल्द विवाद को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। कि जहां तक कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से मार्केटिंग लेवल पे तो हमारी बात होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हम कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहेंगे कि कंपनी इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाए, और जो भी है अपना एक व्यापारी मतलब अपना उपभोक्ताओं को सही रेट पे मतलब सही उचित मूल्य पे सीमेंट की उपलब्धता सरकार द्वारा ये कंपनी द्वारा करवाई जाए।